हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं गौबच्चा घाट, जो कि ये लोकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था। ये नई लोकेशन है जबलपुर में, जो लोग भी रहते हैं उनको अभी ये इस बारे में शायद ही पता हो इस लोकेशन के बारे में। तो आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे खास मित्र जा रहे हैं। हेलो गाइस, सो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग जा रहे हैं गौबच्चा घाट। तो ये जो प्लेस हम लोग आज जाने वाले हैं गौबच्चा घाट, उसके बारे में किसी को पता नहीं था, काफ़ी हिडन प्लेस है। सो हम लोगों ने नेट पे काफ़ी कुछ रिसर्च किया इसके बारे में और हम लोग निकल पड़े हैं गौबच्चा घाट। चलिए चलते हैं वहाँ और देखेंगे फिर क्या लोकेशन है वहाँ का और क्या व्यू रहता है। ये लोकेशन का रूट भेड़ाघाट रोड में ही पड़ता है और भेड़ाघाट से पहले ही एक जगह है। तो हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि कैसे कहाँ जाते हैं, मतलब इस जगह की लोकेशन भी साथ में बताएंगे, और हो सकेगा तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। और अभी हम भेड़ाघाट रोड में ही हैं, तो देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पीछे छाया थी इसलिए हम यहाँ पे इंट्रो शूट कर रहे हैं। और ये हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, फोन चला, लोकेशन चेक करो। तो लोकेशन चेक करते करते हम जा रहे हैं और रोड देख सकते हो, और ये हमारी गाड़ी। और चलो चलते हैं, हम वहाँ पे जाके मिलते हैं और साथ में दिखाएंगे भी कि क्या कैसा है, और चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौबच्चा घाट। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे का नज़ारा, और यहीं पे है गौबच्चा घाट। और ये मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड बहुत ख़राब है, मतलब ठीक है, गाड़ी आपकी आ सकती है, 4-व्हीलर 2-व्हीलर दोनों आ सकती है और मस्त है। चलो अभी और अंदर चलते हैं, और हम अभी यहाँ पर ठहरे हुए हैं और अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर देन उसके बाद अंदर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। सो चलो चलते हैं। और जो हमारे आगे का नज़ारा है ना, वो देख के मतलब यार, अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, सोच रहे हैं हम भी नहाएं, बट अभी सोच रहे हैं, देखते हैं, डिसाइड नहीं हुआ है, सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, और अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोग नहाएंगे। अभी हम और चलते हैं आगे, सोच रहे हैं अब तो लग रहा है कि नहाना पड़ेगा। लेट्स गो, चलो। भारी बात, काफी लोग आए हैं यहाँ पे और मूवी भी शूट हो रही है, ऐसा शूट है, पता नहीं क्या शूट हो रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। और कैसा लग रहा है सुधीर भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पॉट है। अब तो हमें लग रहा है हमको रोज आना पड़ेगा, हर संडे आना पड़ेगा। और वहाँ पे यार और थोड़ा डेंजरस है, काफ़ी स्लीप लीप होता है, बट ज़्यादा ये वो नहीं है। सो गाइज, हम लोगों ने नहा चुका है और कार्यक्रम हो गया खत्म हम पूरे गीले हो चुके हैं
जो हम लोगों ने कपड़े बदलने के लिए नहीं लाए थे, तो अभी हम लोग यहाँ से घर हमारा 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हम जाते जाते सूख जाएंगे। गाड़ी चलाते चलाते एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों सूख जाएंगे, सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं सूख जाएंगे घर जाते जाते, घर में डांट ना पड़े। और चलो चलते हैं, और ये रहा हमारा लोकेशन था, काफ़ी अच्छा था है ना। सो एक हमारे पीछे वाटरफॉल है देख सकते हो, और एक आगे था, मतलब वहाँ से तो हमने दिखा दिया है, और काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। और मतलब बहुत ही हिडन प्लेस है ये जबलपुर में, मोस्टली लोगों को नहीं पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है, और इस जगह के बारे में मुझे कहीं से पता चला। सो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और घूम चुके हैं। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, जैसे कि देख सकते हो अभी साफ भी है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं। और एक और बात कि यहाँ पे ड्रिंक इंक ना करें। सो एक भाई मिले हैं यहाँ पे जो कि यहीं पे रहते हैं, तो संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ पे संडे को संडे ज़्यादा संडे सैटरडे दोनों दिन। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से, जबलपुर से आते हैं, सभी तरफ से आते हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा है, यहाँ से इलाहाबाद भी आते हैं लोग घूमने, इलाहाबाद तक के लोग आते हैं यहाँ पे। और भाई क्या खास बात है यहाँ की? यहाँ पर गंगा सप्तमी का नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, यहाँ के ये चौकीदार हैं दादाजी, ये चौकीदार हैं। तो कब से यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं? भाई हमें 22 साल हो गया। 22 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ। और ये हमें अभी पता चला, एक दो हफ्ते पहले ही इस जगह के बारे में मालूम पड़ा है, और काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो आपका नाम भाई? आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी जी हैं, यहाँ पे उनकी शॉप है, तो आप यहाँ से मिल भी सकते हैं उनसे। और अगर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ कहाँ घूमना है और भी अच्छी प्लेसेस, मतलब यहाँ पे क्या कैसे जाएं, तो भाई आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे जी, है ना। ये यहाँ पर है दास महादी की समाधि, और यहाँ पे समाधि भी है, गौशाला भी है यहाँ पे। सो भाई आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा जी। तो फिर मिलेंगे जी। सो यहाँ से भी थोड़ा आगे मतलब मस्त व्यू है। सो वो समाधि के मतलब वहाँ से जैसे ही आएंगे तो ये रोड जाती है, तो यहाँ भी चलते हैं हम, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो भाई ने बताया है कि यहाँ पे पत्थरों के बीच से पानी आता है ना। चलिए देखते हैं, और चलिए देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। तो आप बने रहिए मोर माइल्स के साथ, और हम अभी दिखाने वाले हैं बहुत ही प्यारा दृश्य। तो सामने देख सकते हो पानी ही पानी है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गक्कड़ भरता बनाए हैं लोग। सो यहाँ पे आप घर वालों के साथ आ सकते हैं पिकनिक बनाने, और बहुत ही अच्छा प्लेस है। जैसे कि आपने देखा पत्थरों के बीच से पानी जा रहा था, और मतलब मस्त जगह है, क्यों सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे लोग पार्टी आर्टी भी कर रहे हैं देख सकते हो, मस्त 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 चूल्हा, मतलब दो ठो ईंट जोड़ के मस्त आग आग लगा के कक्कर बर्ता बना रहे हैं। मन तो हमारे भी कर रहा है खाने का, लेकिन क्या करें, लेट हो रहे हैं, हम लोग घर जाना है, और हमारा घर यहाँ से मिनिमम 20 किलोमीटर की दूरी पे है ना। 20 प्लस ऊपर नीचे हो सकता है, और सही जगह है यार। और यहाँ के मतलब यार, यहाँ पे ना ही कोई टिकट है, ना ही कोई रूल्स हैं, और यहाँ पे आप सेफली नहा सकते हो। और बहुत ही थक चुके हैं हम लोग, कैसा लगा भाई? बहुत मज़ा आया भाई। क्या कहना चाहोगे सब्सक्राइबर को? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। You know that they call love.